नमस्कार आम स्वतंत्र उपस्थापना चबीश चक्रव्यू को स्वागत करुच्ची प्रियंका। 2019 लोकसभा निर्वाचन पर विरोधी दल मानू बीजेपी विरोध में एकजुट करने को चेष्टा जारी रही। कांग्रेस समेत अन्य विरोधी दल नेता माने अनेक थर कहते जे जदि प्रधानमंत्री मोदी विरोध में लड़ा तेरे समस्त को एकजुट होगा पड़ो। एपरिक ममता बानर्जी के चंद्रशेखर राव एवं एम के स्टालिन अनेक थर विरोधी दल नेतृत्व नेबाकु चेष्टा करते सत्वे वर्तमान पर्यंत कौन सी नेता समस्त विरोधी को गोटे मंच में आने को सफल हो पारिनथिबा बेले एबे सभी को एकाठी करिवार संकल्प नहीं आगक आसी नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री। या भितरे नीतीश विभिन्न आंचलिक दल मुखिया को भेटी मेली आरंभ करथिबा बेले विरोधी ए चक्रव्यू को पंड करने को बीजेपी अपणाइबारे लागेछि हाईटेक रणनीति ता केमिति आसंतु जानिबा पूरा कहानी। दुहजार चबीश महाकसरत बाट देखेब कर्णाटक आग को किए गढ़ केन्द्र सरकार पुणी बीजेपी ना विरोधी बिगिड़े खेल विरोधी को एबे एकाठी करुछंती बिहार मुख्यमंत्री ममता अखिलेश केजरीवाल राहुल को भेटी तेणे तृतीय सामुख्यरु मुह फेर केसीआर तेलंगाना मुख्यमंत्री कांग्रेस सह जिबे बोली चर्चा जोर। मिशन 2024 समस्त राजनैतिक दल माने आरंभ कर जोरदार प्रस्तुति। पूर्वर जमी आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू विरोधी मानू मेलिकर मोदी सरकार को हटेबा प्रयास करते से भूमिका नहीं नीतीश कुमार बिहार मुख्यमंत्री। या भितर नीतीश उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धरी विभिन्न दलर मुखिया मान भेटुं तृतीय सामुख्य नहीं योजना प्रस्तुत कर। देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे क्या करेंगे तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। अन्यपटे दक्षिण भारतीय राज्य कर्णाटक रे आसंता 10 तारीख दिन विधानसभा निर्वाचन होगा को जाउछे। एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य भावे एबे सेठी बीजेपी क्षमता रे अछि तेणु आसंता निर्वाचन रे दल एठारे क्षमता बजाय रखिबो किंबा विरोधी सरकार गठन करिवे ताहा उपरे सारा देशर नजर रहिछि। काहेकिना कर्णाटक फलाफल ही 2024 लोकसभा निर्वाचन पई बाटो देखेबो। कांग्रेस के साथ बैठ गए बैठे या नहीं बैठे तो जेडीएस को वोट का मतलब है कांग्रेस को वोट। कांग्रेस को वोट देना चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? अगर वोट विफल न जाए ऐसा चाहते हो तो आपका वोट सीधा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। आसंता वर्ष देशर मोट 9 राज्य में विधानसभा निर्वाचन होगा बेले वर्तमान सुधा त्रिपुरा नागालैंड एवं मेघालय निर्वाचन सरी जो 3 राज्य में बीजेपी क्षमता बजाय रखिपारी चलित बर्ष कर्णाटक को मिसाई आउ 6 राज्य में विधानसभा निर्वाचन होब। यहपर 2024 लोकसभा निर्वाचन राजनैतिक दलगुड़िक आसंता लोकसभा निर्वाचन पर अंटा भिड़िले एभली स्थले जो सब राज्य में कांग्रेस किंबा कौन आंचलिक दल सहित मेट कर बीजेपी सरकार रही बीजेपी को अधारू अधिक प्रतिशत भोट आवश्यक जो सब राज्य त्रिमुखी किंबा बहुमुखी लड़े सेठारे अधारू अधिक बीजेपी को सर्वाधिक प्रतिशत भोट हटेबा को पड़ तेरे 2024 लोकसभा निर्वाचन में बीजेपी पुणि थे जितवा सहित सरकार गठन बाट फिट एमती आकलन करनैतिक विश्लेषक।
गत मास 28 तारीख में दिल्ली में बीजेपी नुआ संप्रसारित कार्यालय उद्घाटन बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलियों नेता उद्बोधन देते सहित बीजेपी सरकार सफलता बखाणी ১৯৮৪ मसीह दुईट आसन पाई बीजेपी ২০১৯ लोकसभा आसन ৩০৩টি आसन जीति विपुल सफलता पाई एथस देशर अधिकांश राज्य में बीजेपी को 50% भोट मिलता ২০১৯ लोकसभा निर्वाचन में भोट प्रतिशत को देखिले बीजेपी 11 राज्य और 2 केन्द्रशासित अंचल 50% रु अधिक भोट पाई 3 राज्य में 60% रु अधिक भोट पाई से ही राज्यगुड़िक हिमाचल प्रदेश गुजरात और उत्तराखंड यहा छड़ा राजस्थान अरुणाचल प्रदेश मध्यप्रदेश हरियाणा दिल्ली एनसीटी गोवा कर्णाटक झारखंड छत्तीसगढ़ एवं चंडीगढ़ में 50% रु अधिक भोट बीजेपी को मिलता मात्र विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी भोट भाग कमी 2018-2023 मध्य होता विधानसभा निर्वाचन को देखिले गुजरात में बीजेपी को 52.5% भोट मिली से ही अरुणाचल प्रदेश में 50.8% उत्तराखंड में 44.3% हिमाचल प्रदेश में 43% एवं उत्तर प्रदेश में 41.2% भोट मिली गुजरात विधानसभा रे बीजेपी मोट 182 आसन 156 विजयी होते एठारे भोट प्रतिशत 52.5 रही 2019 रे अरुणाचल प्रदेश में होता विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 50.86% भोट पाई 41 आसन जीति तेणु कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन उपरे एबे बीजेपी पूरा नजर रही कहीं निर्वाचन फलाफल ही 2024 लोकसभा निर्वाचन रूपरेख केमिति रहिबो ताहा जणैब पुणी मोदी ना गादी माड़ी बसवे विरोधी से गणित मध्य कर्णाटक निर्वाचन फलाफल साफ हो पार कहुए मॉर्निंग सोज द डे अर्थात सकाळ समय ही सारा दिन परिवेश और परिस्थिति को जणई दे थाए एक कथा कहिबार अर्थ दिन केटा परे कर्णाटक विधानसभा निर्वाचन जो निर्वाचन फलाफल ही जणई देव 2024 रे घटिब कौन किए गढ़ केन्द्र रे सरकार मोदी ना विरोधी किए हे प्रधानमंत्री तेणु एवं प्राय समस्त राजनीतिक दल कर्णाटक निर्वाचन उपरे फोकस करुछन्ते शासक बीजेपी आउ विरोधी कांग्रेस निज निजर स्टार प्रचारक को मैदान में ओल्लाई बीजेपी प्रार्थी गृहमंत्री अमित शाह को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान धुआंधार प्रचार करते कांग्रेस स्टार प्रचारक साजी प्रियंका गांधी कर्णाटक एक प्रकार डेरा पकाई रही तेरे कर्णाटक विजय परजय पराजय ही 2024 लोकसभा निर्वाचन को बाट देखेबो बोली काईकि चर्चा होउचे किए आशा रखिंट मोदी विरोध में मिली बांधि विरोधी देखा रिपोर्ट जदि तृतीय सामुख्यर स्वप्न सत हुए जदि मोदी को मात दियंती विरोधी तेबे किए हेबे देशर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ना ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल ना अखिलेश यादव क्षमता राजनीति किए क्या छाड़देव गाति अवश्य साउंटिला कांड युद्ध को पाएनि बोली कथाटे रही तेणु पीएम हेबा स्वप्न एमानंकर जे पूरा हेबो तार की ग्यारंटी कहा जाए कोतरा कोड़े जिते माड़े से 2024 लोकसभा निर्वाचन को आखि आगर रखे जितेबले विरोधी माने मेली बांधिबा आरंभ करते किसी आंचलिक दलर मुखिया माने तृतीय सामुख्यर हाबुहाब देखि निरापद दूरता आपणेबारे लागिछन्ति जमीती तेलंगानार मुख्यमंत्री केसीआर ओरफ के चंद्रशेखर राव जदि ढेर दिन है तृतीय सामुख्य बनवा सफक्य रही मात्र एवं चंद्रशेखर दल नरम आभिमुख्य अपणे दल 2024 लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस हाथ धरी पारे चर्चा जोर धरी बैठकों का सिलसिला विपक्ष कर सकता है लेकिन विपक्ष का नेता कौन है विपक्ष की पॉलिसीज क्या है देश के लिए वो क्या सोच रहे हैं
इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ मोदी हटाओ के मूल मंत्र से विपक्ष अगर 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से जनता का समर्थन उनको नहीं मिलेगा। विपक्ष के पास न तो नेता है, न नियत है, न नीति है, तो जनता उनका समर्थन क्यों करेगी, ये सवाल खड़े होंगे। बीआरएस जन नेता कथा कह कांग्रेस आंचलिक दल को उचित सम्मान देवा आरंभ कर तेज मेट होगा नहीं कांग्रेस आलोचना करा जाई पारे। कांग्रेस नेता माने भी से समान कथा को दोहराउछन्ति आमको मध्य सम्मानजनक आसन मिलिबा दरकार जेउठारे कांग्रेस दल मजबूत रहिछि। तेबे दुई दल पक्षरु मिलिथिबा ए प्रतिक्रिया जेमिति जणै देउछि कांग्रेस रो निकटतर हेउछि केसियानको पार्टी। तेबे राजनैतिक विश्लेषकको कहिबा कथा बीआरएस चाहुनै जे 2019 भलि 2024 रे मध्य मोदी बनाम राहुल गांधी मुकाबिला हेउ। केसीआरको पार्टी कहिबा कथा जेतेबेले भी एपरी नेरेटिव सेट होईछि सेतेबेले विरोधी को खूब क्षति सहिबाकु पड़िछि जेमिति गला लोकसभा निर्वाचन रे होइतिला। बीआरएस नेता कहिछन्ति आमे एपरी चाहुनौ मोदी बनाम राहुल गांधी उपरे निर्वाचन लड़ा जाउ एपरी स्थिति रे विरोधी दुर्बल हेबा एक प्रकार निश्चित तेणु नीतीश कुमार किंबा ममता बनर्जी को विरोधी दल नेता करा जाउ सेमानक निकट रे सरकार चलाइबार अभिज्ञता रहिछि। राहुल वर्तमान सुधा मध्य कांग्रेस ऑफिशियल चेहरा नुहंती एणे बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधी को एकाठी करने राति दिन एक कर ताल देवाक पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगक आसी तेरे एवं ममता बनर्जी कहते बीजेपी हिरो रु जीरो नीतीश कहते बीजेपी कौन कर बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात कह के फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके ऐसा नहीं चल सकता है। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया। गला सोमवार नीतीश प्रथमे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेटा पर अपराह्नरे लखनऊ जाई समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव को भेटिथिले। नीतीश को सह बिहार उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मध्य जाइथिले। सेपर नीतीश जातीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को मध्य साक्षात करी दिल्ली मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आलोचना करते पर्यायक्रमे आहुरी अनेक विरोधी दल नेता नीतीश कुमार भेटा को सभी को आगे से प्रधानमंत्री रेस रे नथिबा कथा सफे रखिंट अंपटे जब देखा तेज वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी नीतीश उद्यम को नहीं बे खुशी व्यक्त कर। अब यहाँ अगर नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं, कोई फॉर्मूला ऐसा निकल जाता है कि यहाँ डायरेक्ट फाइट हो, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है मानी जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार की जो यात्रा है उसके प्रति हम सब लोगों की शुभकामना है। तेज नीतीश का ये उद्यम नहीं बीजेपी चीही के उठी बेले विरोधी पॉलिसी कौन आउ एम गुरु किए बोली प्रश्न करी खाली से नुहे क्षमता पाई नीतीश को भली थरक थर मेट बदला अखिलेश यादव को मध्य उत्तर प्रदेश बीजेपी कड़ा कटाक्ष कर। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में मौजूद जितने भी दल है सबके साथ गठबंधन कर चुके हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, दो यूपी के दो लड़कों का नारा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। फिर उन्होंने हाथी को साथी बनाया, मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हाथी का साथ भी उनका छूट गया। फिर 2022 के चुनाव में केशव देव मौर्य के महान दल और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और प्रकाश राजभर जी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन टूट गया, कोई सफलता नहीं मिली। तेज नीतीश का विरोधी मान को मेली कर उद्यम के फलप्रद होता खाली देखा बाकी। वर्तमान समय देश में मोदी सरकार विरोध में 16 अण बीजेपी दल एकाठी होता कहु जहाँकि विपक्ष एक बड़ उपलब्धि। तेज सब आश्चर्यजनक कथा जे केन्द्र में बीजेपी सरकार ना 13 अण बीजेपी दल एवं अलग रास्ता धरी ना से खोलाखोली भाव बीजेपी सहित रोचा ना विरोधी एकता अभियान को समर्थन करते विरोधी दल दावी को संसद में बीजेपी प्रत्याख्यन करते 16 दल
सांसद माने विरोध प्रदर्शन करते आश्चर्यजनक कथा यही अभियान में आम आदमी पार्टी एवं समाजवादी पार्टी सदस्य माने अंशग्रहण करते कि संसदर उभय गृह से 142 सदस्य को नहीं 13 दल सदस्य निजक दूरे रखिते विक्षोभ में 31 जन सदस्य वाईएसआर कांग्रेस 36 जन सदस्य टीएमसी 11 जन सदस्य बहुजन समाजवादी पार्टी नवीन पटनायक बीजेडी एआईएडीएमके टीडीपी एवं केसी राव को बीआरएस सामिल हो नथिले 1977 मसीह प्रथम थर देश में गढ़ा होता अण कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री होते मोरारजी देसाई माने किंग नुहे किंग मेकर होते जेपी हेले एबे मंगुआल गुरु होगा आशा बांधि नीतीश कुमार जेपी भारे तो प्रधानमंत्री होवार आशा छाड़ी पारे तो आउ ममता बानर्जी अहंकार नहीं बोली तो कहते किंतु मोरारजी सरकार को अन्य दल माने समर्थन देवा भली दरिया दिल देखाई पारे कि ममता आउ जो कांग्रेस केबे आप को तो केबे टीएमसी टार्गेट करुछी से कांग्रेस निजर अहंकार छाड़ी पार तो बोध हुए ना कारण पश्चिमबंग एवं यूपी रे मेंट गढ़ाबार प्रयास चलता बेले महाराष्ट्र महाआघाड़ी मेटरे तू तू मे चली शरद पवार मेट को नहीं सन्देह प्रकाश करने पर आरंभ हो बयानबाजी ताकि आसतु जानवा चबिश लोकसभा निर्वाचन नहीं एते पांच मात्र एजाए सरिनी महाराष्ट्र महानाटक शिवसेना एवं भी खोजुची निजर अस्तित्व उद्धव देखि चली निजर पतन पर्व एति की बेले किंतु शरद पवार पूरा नीरव अजित को नहीं एनसीपी रे भी सृष्टि हलानी फाट कौन सत हेबो कि संजय राउत आकलन खूब शीघ्र हेब मेंट सरकार पतन 2024 लोकसभा निर्वाचन को नहीं जेतेबेले विभिन्न राजनैतिक दल माने कसरत आरंभ कर देते महाराष्ट्र महानाटक पुणी कड़ल उठी एथर चर्चा किंतु उद्धव ठाकरे किंबा मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे को नहीं नुहे बर एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार को नहीं अजित बीजेपी में सामिल होबा नहीं चर्चा भितर से निजे एने मुह खोली से कहते से एनसीपी अच्छा आउ रे एनसीपी जहाँ भी निष्पत्ति नेब मुठी रही गणमाध्यम को कहते अजित पवार किसी दिन तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा कर देते अजित पवार खाली से नुहे इफेम उपर भरोसा रखिता कहते सहित महाराष्ट्र सरकार रे मंत्री थिबा सुधीर मुनगंटीवार एनसीपी को एनडीए सह मिसिबा को निमंत्रण देते जहाँ उपर चर्चा होता खूब शीघ्र एनसीपी छाड़ी बीजेपी में सामिल हो पारती अजित पवार निज पक्ष विधायकों को नहीं से सिंधे सरकार में सामिल हो पारती कथा उठिता हेले एने अजित निजे मुह खोलिबापर एवं से ही चर्चा रे एक प्रकार विराम लगी कहला अजित पवार एनसीपी 53 विधायकों मध्य 30-34 विधायकों को नहीं एनडीए मेंटर में सामिल हो पारती प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे छगन भुजबल भली एनसीपी नेता समर्थन रही भाजपा सह मेंट करने को यह गोष्ठी आग्रह थे बीजेपी सिंधे गोष्ठी एनसीपी गोष्ठी को निज पक्ष को नेबा को हम भरी सारी अन्यपटे एनसीपी मुख्य शरद पवार एने प्रतिक्रिया रखिंट से कहते किसी लोक केवल खबर करते एही कथार कौन सी अर्थ ना जो चर्चा मनरे अच्छे से ही चर्चा अन्य लोकों भितर ना तेणु यार कौन महत्व ही ना विधायकों बैठक होगा कथ को शरद अंपटे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल खबर मिछ बोली अंपटे उद्धव गोष्ठी नेता संजय राउत बीजेपी शिवसेना को पुणी टार्गेट कर मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डेथ वारंट जारी हो जाए आगामी 15-20 दिन मध्य सरकार भांगि जावा थय तेरे संजय गत फेब्रुआरी में दावी कर भूल प्रमाणित होते राउत कहते आम सुप्रीम कोर्टर न्याय पाइबू और सरकार अस्तित्व बजिज तेरे शिवसेना नेता मैंने राउत बयान जवाब केवल मिछ और विभ्रांति करताद राउत कौन सी प्रलाप को लोके विश्वास करूँ तेरे खाली देखार कथा महाराष्ट्र ए महानाटक केवनिका पड़ी समय शेष होइछि स्वतंत्र उपस्थापना को एठी रखुछु नमस्कार।